राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर में चारों सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों की स्क्रीनिंग हमीरपुर के बचत भवन में की गई। इस अवसर पर डीपीआरओ हेमंत कुमार भी मौजूद रहे। कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कलाकारों ने गायकी नृत्य के अलावा अलग अलग प्रतिभाओं को मंच पर प्रस्तुत किया। डीपीआरओ हेमंत कुमार ने बताया कि चारों सांस्कृतिक संध्याओं के लिए बचत भवन में ऑडिशन लिए गए हैं और इसमें युवा और स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि 150 के करीब कलाकारों ने स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया है, जिसमें से बढ़िया व अनुभवी कलाकारों का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तरीय होली मेला सुजानपुर में 7 से 10 मार्च तक सुजानपुर में आयोजित किया जा रहा है और मेलों के लिए तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। महीनों से चली आ रही हमीरपुर बस स्टैंड के खोखों को हटाने की प्रक्रिया मंगलवार शाम को जिला प्रशासन ने अंजाम दिया है। लोक निर्माण विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन ने उन तमाम खोखों को जेसीबी की मदद से हटा दिया, जिनके दुकानदार नए कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गए हैं। मंगलवार शाम जैसे ही दुकानदारों ने बस स्टैंड के पास जेसीबी को देखा तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। हालांकि अभी भी कुछ दुकानदार नए कॉम्प्लेक्स में जाने के मूड में नहीं है। इसका आवाज उस समय हुआ जब कुछ दुकानदारों ने प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष इसका विरोध जताया। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसे देखते हुए बस स्टैंड के पास जिला प्रशासन ने काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया था। बता दें कि हमीरपुर बस स्टैंड के खोखों का विवाद काफी समय से चला हुआ था। दुकानदारों ने पीछे न जाने का हर हथकंडा अपनाया, लेकिन प्रशासन ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उन्हें नए कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए मजबूर कर दिया। से पहले प्रशासन दुकानदारों को कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने के लिए मोहलत दे चुका था। तय सीमा समाप्त होने पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए जेसीबी के माध्यम से बस स्टैंड के पास से दुकानों को हटाया। वहीं कुछ स्थानीय दुकानदार मल्होत्रा ने प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने कैमरे के सामने आने पर साफ तौर से मना कर दिया। अवैध खोखों पर की जा रही कार्यवाही मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने उपमंडल कार्यालय सुजानपुर में राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव के सफल आयोजन के लिए गठित विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों के साथ रखी बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने पदाधिकारियों के सुझावों को सुना वो इसके अमल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि 7 मार्च से 10 मार्च तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर होली मेला का भव्य आयोजन होगा। इससे पहले राष्ट्रीय होली मेले की तैयारियों को लेकर सुजानपुर पहुंचे उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बेनी प्रसाद मुख्य स्वागत गेट, पगड़ी स्थल मुख्य बस स्टैंड, शोभा यात्रा स्थल बस स्टैंड से मुरली मनोहर मंदिर, मंच व चौगान सहित तमाम स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुजानपुर बस स्टैंड में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे पेच वर्क का निरीक्षण किया। वो बेनी प्रसाद गेट के पास लोहे के बने एक चैम्बर को ठीक करने के लिए नगर परिषद को निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम एवं मेला अधिकारी शिल्पी बेक्टा मेले के दौरान चौगान में 24 घंटे उचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सफाई कर्मी हर वक्त जहां भी गंदगी दिखे, कूड़ा करकट मिले, उसे उठाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जितने भी दुकानदार व्यापारी मेले में आए, उन्हें स्वच्छता अपनाने के निर्देश दें। दुकानदार दुकानों में कूड़ा दान लगाएं।